हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएमआई टाइम्स। मैं हूं शैली त्यागी, आज की एजुकेशन न्यूज हेडलाइंस के साथ। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन के अनुसार कई कैंडिडेट्स ने नेम और डेट के बिना फोटो अपलोड की है। एनटीए ने 31 जनवरी 2019 को नीट यूजी 2019 के लिए करेक्शन विंडो को बंद कर दिया है। अपनी रीसेंट नोटिफिकेशन के अनुसार एनटीए ने कहा है कि जो कैंडिडेट्स फोटो अपलोड करते वक्त नेम और डेट मेंशन करना भूल गए हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। एनटीए ने जेई मेन एस्पिरेंट्स के लिए एक नया नोटिस जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक एजेंसी कई बार फिलिंग के मामले में उम्मीदवारों के आवेदन रद्द कर सकती है। एनटीए ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि यह अध्ययन में आया है कि जेई मेन अप्रैल 2019 के लिए उम्मीदवार कई बार ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि उम्मीदवार द्वारा केवल एक ही बार आवेदन किया जाना है, एक से अधिक बार आवेदन करने पर उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट DRDO.gov.in पर डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट के लिए देश भर से एंट्रियां आमंत्रित की हैं। कैंडिडेट्स को वेबसाइट पर दी गई लिस्ट के अनुसार एक चैलेंज को सिलेक्ट करना है एंड प्रपोज सोल्यूशन टू इट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स या तो इंडिविजुअल के रूप में या फिर वर्केबल प्रपोजल के लिए एक स्टार्टअप के रूप में भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट रिलेटेड डोमेन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। यहां तक कि एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले स्टार्टअप भी आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस पहले से ही शुरू हो गए हैं और इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2019 है। स्टार्टअप कैटेगरी में प्रतियोगिता के विजेता को 10 लाख रुपए और इंडिविजुअल कैटेगरी को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही इन्फॉर्म किया जाएगा। टॉप 3 कैंडिडेट्स को व्यक्तिगत रूप से 5, 4 और 3 लाख रुपए और अंडर स्टार्टअप कैटेगरी को 10, 8 और 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सीएमआई टाइम्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।